क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6MI हुसैनगंज सीतापुर UP भारत, पिन 261125। In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर जनपद के थाना हरगांव क्षेत्र के अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें गन्ना उतार कर ट्रक को खाली कर गेट पर लगा दिया गया और जब दूसरे दिन देखा गया तो ट्रक वहां से गायब मिला। ट्रक मालिक ने थाने में तहरीर देते हुए क्या जानकारी दी है, क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हरगांव के संवाददाता अनूप रस्तोगी। तो अनूप जी बताएं, ये मामला क्या है पूरा, आखिरकार वो ट्रक में क्या था और कहां पर खड़ा था, कब गायब हुआ, क्या है पूरा मामला? जी निशान जी, आपको बता दें कि ये मामला तो 29 तारीख का है। आपको बता दें कि नईम खां पुत्र मुनीर अहमद खां, इनको वकील बोलते हैं, पिपरा के रहने वाले हैं थाना हर गांव के। इनका एक ट्रक संख्या UP 32CZ6141 जो बड़ा है 10 चक्का जिसको बोलते हैं वो है, तो वो इसमें फैक्ट्री में गन्ना ढुलाई का कार्य करता है। तो 28/2/24 को जो है ये गन्ना लेके आया था फैक्ट्री और 2 बजे दिन में गन्ना फैक्ट्री में डालकर और जो उसी के फैक्ट्री के सामने जो सोसाइटी बनी हुई है, गन्ना समिति का कार्यालय जो बना हुआ है, वहाँ उस गाड़ी जो है उसको खड़ी कर दिया। और चूंकि ट्रक चालक वहीं बगल में ही मिल बाजार में रहता है, ट्रक चालक राजकुमार उर्फ राजेंद्र मिश्रा पुत्र श्रीकांत मिश्रा, वो निवासी मिल बाजार हरगांव, यहीं 50 कदम की दूरी पर रहता है, तो इसलिए ट्रक को वहीं खड़ा कर दिया और घर चला गया। और जब सुबह 8 बजे वो वापस आया है 29 तारीख को, तो वहां पर ट्रक को ना पाकर जो है वो चक्कर में पड़ गया कि आखिर ट्रक जैसी बड़ी चीज जो है कहां गायब हो गई। तो आसपास जो है इन लोगों ने देखना शुरू किया, अपने मालिक को सूचना दी और कई जगह पर देखा। जब नहीं पता चला तो जो फैक्ट्री की CCTV लगी हुई हैं उसमें जब देखा गया तो 4:27 पर जो है एक अज्ञात व्यक्ति ट्रक को चलाकर मतलब जा रहा था, ये जो है CCTV फुटेज में दिखाई दिया। तो आपको बता दें कि इस संबंध में जब उन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो उस पर जो है मुकदमा जो है पंजीकृत कर लिया गया है और अभी तक उस ट्रक का कोई पता नहीं चला है। जबकि निशान जी आपको बता दें कि इनके जो मालिक है नईम उर्फ छोटू, इनसे जब बात की है तो ये लोग भी खोजबीन में लगे हुए हैं, पुलिस भी लगी है, ये लोग भी लगे हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि ट्रक की जो लोकेशन है हम लोगों को, वो जो खुटार पे जो टोल है वहाँ दिखाई पड़ी और पीलीभीत टोल पे दिखाई पड़ी। तो आपको बता दें कि इन दो टोलों पर जो है उन लोगों ने जब ट्रक को देखा है तो उनको पूरा विश्वास है कि जो है बरेली की तरफ उनका ट्रक गया हुआ है। जबकि उनका नईम का ये भी कहना था कि हमने यहाँ पता किया है तो ये पता चला है कि बहेड़ी में जो है बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर जो है बड़ी गाड़ियाँ जो है काटी जाती हैं, तो हम लोग इसी चक्कर में हैं, पुलिस भी मदद कर रही है या पुलिस की मदद भी ले रहे हैं, तो हम लोग यहीं हैं अभी और अपने ट्रक को तलाश कर रहे हैं, ये मामला है। बिल्कुल, ये बताएं जी, ये बहेड़ी कहाँ पड़ता है और इस पक्ष में पुलिस का क्या कहना है पूरा? जी आपको बताएं कि ये जो है बरेली से पहले पड़ता है और पीलीभीत के आगे पड़ता है, क्योंकि खुटार टोल प्लाजा पे ट्रक देखा गया, पीलीभीत पे देखा गया, तो फिर स्वाभाविक है कि ट्रक जो है
उस रूट पर बरेली की ही ओर गया है, इसलिए इन लोगों को संदेह है, इसलिए उसी हिसाब से लोग ढूंढ रहे हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग लगे हुए हैं और जल्द ही जो है इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि थाना हरगांव क्षेत्र के अंतर्गत नईम खां पुत्र मुनीर अहमद खां, जो मोहल्ला पिपरा मिल हरगांव के रहने वाले हैं, उनका एक ट्रक है 10 चक्का, जिसका नंबर UP32CZ6141। ये बताते हैं कि जो है 28 फरवरी को 2 बजे करीब जो गन्ना खाली करके जो है मिल गेट के सामने, वहाँ सोसाइटी के गेट के सामने लगा देते हैं। इनका चालक जो होता है, चला रहा होता है, जिसको राजकुमार उर्फ राजेंद्र श्रीकांत आरो, जो यहाँ का निवासी, मिल बाजार का निवासी है, तो वो वहाँ पर गन्ना उतारने बाद खाली कर देता है और वहाँ से जो है ट्रक को सोसाइटी के गेट पे बाहर खड़ा करके अपने घर को चला जाता है। लेकिन जब 29 फरवरी को वापस आता है, मतलब यानी कि दूसरे दिन जब वापस आता है, देखता है तो वहाँ पर इतना बड़ा जो भारी भरकम 10 चक्का ट्रक था वो गायब होता है, और गायब होने के बाद वो तत्काल अपने मालिक जो नईम खां उनको जानकारी देता है। फिलहाल जो नईम खां है उन्होंने जो है आसपास देखा और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली, जिसमें वो सीसीटीवी फुटेज में वो ट्रक देखा भी गया है और खुटार और पीलीभीत के टोल गेट पे वो सीसीटीवी फुटेज में आया भी है। फिलहाल पुलिस को तहरीर देते हुए नईम खां ने पूरी जानकारी बताई है और पुलिस भी उस ट्रक की तलाश कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है, जो ट्रक के मालिक है नईम खां, उनका कहना है कि ये बहेड़ी पड़ता है बरेली जनपद, वहां ट्रक कटने का बड़ा काम होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें आशंका है कि वो ट्रक जब पीलीभीत और खुटार होते हुए जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके ट्रक को जो है उसको काट न दिया जाए। फिलहाल पुलिस से जब जानकारी ली गई तो पुलिस ने बताया कि तहरीर जो है दर्ज करके उस ट्रक की तलाश की जा रही है और एक अज्ञात के खिलाफ जो है मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।